टूफेल गेम फैमिली एक खतरनाक जॉम्बी गेम और मेरी अभी तक की सबसे बड़ी सीरीज जिसका नाम है डेज गॉन, उसके एपिसोड 28 में आप सभी का स्वागत है। तो इसके लास्ट एपिसोड में हमने देखा ना कि धोखेबाज स्किजो, जिसके बारे में अपन भूल भी गए थे, वो और कहीं नहीं बल्कि कर्नली के कैंप पे आ गया उनकी आर्मी को ज्वाइन करने के लिए। और जब उसने डीकन को वहां देखा ना, तो स्किजो ऑब्वियसली झूठ बोलेगा और उसने ये झूठ बोल दिया कि डीकन को लॉस्ट एक कैंप वालों ने भेजा आपके कैंप में जासूसी करने के लिए। तो कर्नल, जो कि पहले ही से बहुत शक्की आदमी है, उन्होंने स्किजो की बात पे यकीन कर लिया और अपनी आर्मी से हमला करवा दिया लॉस्ट लेक कैंप के ऊपर। और इस हमले की वजह से लॉस्ट लेक कैंप के लीडर माइक की मौत भी हो गई है। और माइक ने मरते टाइम एक तरह से वादा लिया है डीकन से कि चाहे कुछ भी करना पड़े तुम मेरे कैंप को बचाना। और इसलिए डीकन रिकी और बूजर के साथ प्लान बना रहा है कर्नल के कैंप पे पहले हमला करने का। तो चलो फिर आज के गेम प्ले स्टार्ट करते हैं, लेकिन आज के गेम प्ले भी हम लोग स्टार्ट करेंगे एक होर्ड फाइट से, उसके बाद फिर मेन स्टोरी कंटिन्यू किया जाएगा। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। और जब तक ये गेम प्ले स्टार्ट हो रहा है, फेल आर्मी एकदम फटाक से वीडियो को लाइक कर लो और आप लोग चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलो फिर स्टार्ट किया जाए। तो डीकन का प्लान याद है ना कि ट्रक बॉम्ब बना के कर्नल के कैंप पे वो ट्रक दे मारना है। तो अभी रिकी से जाके बात करना होगा, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि साइड से निकलते हैं और पहले एक होर्ड से फाइट करके आते हैं, क्योंकि हो सकता है फिर होर्ड से फाइट करने का मौका नहीं मिले, तो साइड से निकलेंगे भाई, ताकि स्टोरी स्टार्ट नहीं हो जाए। पता है इस कैंप के आसपास ही एक होर्ड है जो कि अभी तक पता नहीं मेरी नजरों से कैसे बचा हुआ था। मैंने आज ही नेट पे देखा कि हाँ इस एरिया के आसपास है, बस खोजना पड़ेगा मुझे। आज तक मुझे इस एरिया के आसपास होर्ड नजर नहीं आया, लेकिन पर कोई नहीं, पहले अभी एक ज़ॉम्बी के होर्ड को मारेंगे, उसके बाद थोड़ा जोश आएगा तब मेन स्टोरी स्टार्ट करते हैं। Sarah, I can't imagine what you must be going through losing someone twice like that. Hey, I haven't lost her yet. We're building a really big bomb, remember? Well, we're glad to have you back. Lost Lake needs you. Hey, Ricky, it wasn't his fault. You know, Iron Mike, I mean, he was only trying to do the right thing. I know. Ricky out. तो रिकी डीकन को थैंक यू बोल रही थी कि अच्छा हुआ तुम वापस आ गए, क्योंकि इस कैंप को अभी तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है और मेरे को होर्ड भी मिल गया। ये जो तीन सर्कल बने हुए ना, इसी में से किसी एक में होर्ड है। ये दो रेड सर्कल में तो होर्ड नहीं था, यानी कि ये तीसरे वाले में होर्ड होगा। I did not want it to go down like that, bro. Captain, the Colonel wants to see you right away. Yeah, look, I'll tell him I'll be right there. Captain, didn't take you long to lie your way into a promotion. This army crap is all bullshit, you know it. But bro, you gotta listen to me. I'm not your bro, Schizo. Fair enough. I just wanted you to know. Look, when Corey busted you out, the Colonel, he went crazy. Thought she was in on it. Lost his goddamn mind. He went after Lieutenant Whitaker. He was gonna kill her, Deke. Deke! Yeah, I'm listening. But I stopped him, Deke. I did. I told him that all that poison shit she's cooking up, maybe we use it to kill the freaks, but maybe we don't. Maybe there's an enemy camp. Maybe they got one water supply. Maybe dumping a gallon of hemlock into that, maybe that solves a lot of problems. Anyway, the Colonel, he likes that idea, so he puts me in charge of the Ark. Wants me to keep it safe. She reports to me now, Deke. To me. What do you want, Schizo? Bro, I just wanted to warn you. They're coming. I can't stop them. They're coming, and this time the Colonel's bringing the whole damn house. Let him. We're not going anywhere. And when he comes this time, Captain, the Colonel's waiting. I'll be there, goddammit! Now get out! Look, I gotta go. But, I'll tell Lieutenant Whitaker that you sent your best wishes. Captain Sarkozy's signing off. तो स्किजो मनुष्य कैप्टन बन गया है, लेकिन उसके बारे में बात करेंगे, अभी पूरा होर्ड मेरे ऊपर आने वाला है।
अभी तो आधा का आधा भी होट नहीं मारा, ऊपर में हेल्थ बन रही है होट की। अब होगा ना असली कांड, क्योंकि सारे एक साथ आएंगे। आधे से ज्यादा होट मार दिया, लेकिन ये होट बहुत ही बड़ा था। और ये कितने सारे बचे हुए भाई, अभी भी एक स्क्रीमर ज़ॉम्बी भी घूम रही है। अगर उसने चिल्ला दिया ना तो होट मेरे ऊपर चढ़ जाएगा, मैं मर जाऊंगा। होट की हेल्थ देखकर लग रहा है कि कितना कम बचा हुआ है। नहीं, लेकिन आसपास की ज़ॉम्बीज भी इसमें मिल गया है ना, इसकी और ज्यादा हो गया है। अब तो टेंशन लेना ही नहीं है, 90% होट को तो मार ही दिया है। ये स्क्रीमर इतनी स्क्रीमर ज़ॉम्बी क्या कर रही है? Okay. और होट किलर का अभी तक टैग भी नहीं मिला। भाई साहब, पहली बार इतनी सारी स्क्रीमर ज़ॉम्बी को एक साथ देखा ना। ये स्क्रीमर ज़ॉम्बी एक से ज्यादा कभी नहीं होती थी, यहां पर छह मैंने मारा है, 6 या 7 मारा है। और देख लो अभी भी घूम रही है। इस एक बनहूस ज़ॉम्बी की वजह से होट किलिंग का टैग नहीं मिल रहा था, लेकिन यहां का भी होट खत्म हो गया है। तो अब बढ़ा जाए मेन स्टोरी की तरफ। तो स्किज़ो ने कांटेक्ट किया था, तो डीकन ने बोला कि पहले तो तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझसे कांटेक्ट करने की, जो तूने कांड करा है तेरे वजह से माइक की मौत हो गई है। तो स्किज़ो ने बोला कि नहीं भाई, मैं ऐसा नहीं चाहता था कि माइक की मौत हो जाए। तब डीकन ने बोला कि तेरे को समझाया ना, मैं तेरा भाई भाई नहीं हूँ, समझा। उसके बाद स्किज़ो ने बताया ना कि जब तुम्हें कैप्टन कोरी ने भगा दिया कैंप से, तो कर्नल को लगने लगा कि सारा भी तुम्हारे साथ मिली हुई है और वो सारा को मारने जा रहा था। तब मैंने कर्नल को रोका और समझाया कि देखो, सारा जो जहर बना रही है ना, वो हम जिस कैंप पे भी हमला करने जाएंगे ना, तो एक एक आदमी को गोली से मारने से अच्छा है कि उनकी पानी के टंकी में ये जहर डाल देंगे, जिससे एक बार में पूरा कैंप मर जाएगा। तो कर्नल को ये प्लान बहुत ही अच्छा लगा और उसने मुझे कैप्टन बना दिया है। और तुम जानते हो कि मुझे ये सब आर्मी वाला चीज पसंद नहीं, ये सब बकवास है, बस मैं यहाँ रुका हुआ हूँ अपने मतलब से। और स्किज़ो ने एक तरह से धमकी दी है कि कर्नल अब अपनी पूरी आर्मी भेज रहा है लॉस्ट लेक कैंप पे हमला करने के लिए। तो डीकन ने बोला ना कि उसको भेजने दो, क्योंकि इस बार हम लोग सब तैयार रहेंगे और मैं भी यहीं रहूंगा। लेकिन डीकन का असली प्लान हम सबको पता है कि डीकन ही पहले हमला करने वाला है कर्नल के कैंप के ऊपर। तो यहां से ज्यादातर जो उठाना था उठा लिया मैंने और अब कैंप की तरफ जा रहे हैं और मेन स्टोरी को कंटिन्यू किया जाए। स्टार्टिंग में एक होट फाइट कर लेता हूं ना, फिर एक अलग ही जोश आता है मेन स्टोरी को कंटिन्यू करने में। और फील गेम फैमिली, मैंने अपने एनालिटिक्स में देखा है कि बहुत लोग ना डेली वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। भाई तो सब्सक्राइब भी कर ही लो यार, इतने दिन से वीडियो देख रहे हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन साथ ही साथ दबा लो, क्योंकि ये वाली सीरीज खत्म होगी उसके बाद फिर कुछ ना कुछ हम लोग नया स्टार्ट करेंगे। अभी किसी से कोई पंगा नहीं लेना है, चुपचाप से मेन स्टोरी स्टार्ट करना है भाई, रुकना नहीं है कहीं पर भी। गोलियां कम है लेकिन मैं काम चला लूंगा। कर्नल का मुंह देखने लायक होगा जब उसके कैंप पे मैं ट्रक बॉम्ब फोड़ूंगा। अच्छा, ये रिकी ट्रक बना रही है। रिकी कूद क्यों गई? How's it coming? Back up. Hey, Deke. Hey. What's this? Oh, ask him. Well. Truck's as big as a tank, right? Uh-huh. I figured. Might as well turn her into one. Holy shit. is this ready? Well, let's see, Deke. तो बूजर और रिकी ने मिलकर भाई क्या खतरनाक ट्रक तैयार किया है, इसके अंदर बॉम्ब डालना है। Okay.
She's ready. Time to fill her up. I know where to find some fertilizer. I'll radio when I'm ready. Okay. तो डीकन जानता है कि फर्टिलाइजर कहाँ मिलेगा जिससे ये ट्रक ट्रक नहीं बल्कि ट्रक बम बन जाएगा। एमओ ये सब ना ले लेते हैं, क्या बोलते हो? गोलियां का मैं पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ मैं। आयरन ब्यूट रैंच भाई, वहां पर एक होड है। अच्छा मैं कल होड के बारे में चेक कर रहा था इसलिए भाई ये होड वाला मिशन है। अरे रे रे रे, मुझे पता होता तो स्टार्टिंग में मैं होड फाइट करता ही नहीं। अब एक और होड से लड़ना होगा, वो भी बहुत बड़ा होड है। Joseph, world's best bounty collector. Hey, Deke. You stay whole. Deke, how's my favorite bounty hunter? Hey, Blair, how are things in the gun trade? Good one. Yep. Yep, that's nice. Okay. Okay, then. Hey, Deke, be safe. बाइक तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ पर अपग्रेड होगी, लेकिन कलर चेंज करवा लेते हैं। Hey, boss. Your bike definitely needs some work, man. यहाँ पर ट्रस्ट लेवल 2 में जितना अपग्रेड हो सकता था मैंने सब करवा लिया है, तो अगर यहाँ पर अपग्रेड करवाना है तो ट्रस्ट लेवल 3 करना होगा। Yeah, good part, that one. I'll fill her up. Don't beat her up too bad. अच्छा इस कैंप से वापस मिशन की तरफ जाने में इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि कैंप छोटा सा है, तुरंत बाहर निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। और इस कैंप का एनवायरनमेंट भी अच्छा है, नहीं यहाँ पर देख लो कितनी अच्छी हरियाली है, नहीं तो कर्नल के कैंप पे तो टकले के सर के जैसे बंजर जमीन हो रखी है। Hey, watch it. मुझे ऐसा लगा यार डीकन को किसी ने धमकी दी कि संभल के बाइक चलाओ है। भाई डीकन को धमकी, नया लीडर डीकन इस कैंप का। अच्छा अभी जो होट से फाइट करने जा रहे हैं उसमें ज्यादा नहीं बस 300 ज़ॉम्बीज हैं, 300। So what's your plan? I'm thinking we can find all the fertilizer we need over at the Iron Butte Ranch. Iron Butte Ranch? Yeah, I mean, it's not like Jesse and his rippers are gonna need it anymore. I mean, this place used to be a golf resort, yeah? They've got a... ना ना अभी इन लोगों से फाइट करके मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। Yeah, I mean, it's not like Jesse and his rippers are gonna need it anymore. I mean, this place used to be a golf resort, yeah? They've gotta have maintenance area, you know, lawnmowers and the... Fertilizer. Goddamn. Oh, shit! I'm gonna need a building right now. Clear. I'm gonna radio you and Ricky to bring the truck in. You got it, brother. Alright, boost her out. तो ये आयरन ब्यूट रैंच ना रिपर्स के एरिया में है, तो रिपर्स तो कोई बचे नहीं है, मतलब उनका लीडर कार्लोस को जब से मार दिया है तो मुझे, अरे ये जिंदा हो गया, ये सोई भी थी भाई, ये जिंदा कैसे हो गया? चलो कोई बात नहीं, कहीं और से पेट्रोल भर लेंगे। अभी ना पहले मेन स्टोरी करना है, ये सब साइड मिशन के चक्कर में नहीं। स्टार्टिंग में मैंने एक साइड मिशन किया है क्योंकि होड को मारना भी साइड ही मिशन है। अच्छा डीकन ने बुजर को बोल दिया कि जब मैं एरिया क्लियर कर दूंगा ना, यानी कि ज़ॉम्बीज़ रिपर्स जो भी है उनको मार दूंगा, उसके बाद मैं तुम्हें, उसके बाद तुम और रिकी ट्रक लेके आ जाना फर्टिलाइजर्स भरने के लिए। यहाँ पे फिर से रिपर्स लोग आ गए, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, इनको मार के आगे बढ़ते हैं। एक तो क्या, लेकिन अभी और भी यहां पर बहुत सारे हैं। इस गन की गोलियों की आवाज सुनिए कितनी मस्त लगती है। इनके लीडर कार्लोस को मारने के बाद मुझे नहीं लगा था कि ये लोग दोबारा नजर आएंगे, लेकिन अजीब बेशरम लोग हैं फिर आ गए। टोटल नंबर्स लिख देते हो ना तो वो ज्यादा अच्छा रहता है, उसे पता चल जाता है कितने लोगों को मारना है, लेकिन कुछ लिखा हुआ नहीं है। गोलियां चल रही है यानी कि कोई ना कोई जिंदा है। उसको ना थोड़ा सामने ही जाके मारना होगा वरना वो बहुत गोलियां वेस्ट करवाएगा। डीकन ने बोला नहीं कि ये आखिरी आदमी है,
पता नहीं कोई बच गया है, लेकिन कोई नजर तो नहीं आ रहा है, किसी की आवाज भी नहीं आ रही, गोली चलने की भी आवाज तो नहीं आ रही है। एक बार फिर भी देख लेते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं बाइक से जाता रहूं और गोली मार के मेरी बाइक को भी डैमेज कर दे और मेरी भी हेल्थ खा जाए। चलो कोई नहीं, एरिया क्लियर ही लग रहा है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। कोई है क्या? तो मैंने बहुत खोजा भाई, अभी तक तो कोई नजर नहीं आया। चुपचाप से यहां से निकलते हैं, यहां पर एक नीरो इंजेक्टर मिल सकता है, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वापस लौटते टाइम देखते हैं। फिलहाल जा रहे हैं होर्ड से फाइट करने। ये बाइक की आवाज आई क्या? पता नहीं बाइक की आवाज आई, लेकिन आई थिंक ये चली गई बाइक, यहां तो नहीं आ रही है। चलो हम देखते हैं, जो होगा देख लिया जाएगा। अभी अभी 300 ज़ॉम्बीज़ को मारना है, वो एक अलग टेंशन है, इनसे क्या डरना भाई। अब ये मत बोलना कि रिपर्स का कोई नया लीडर आ गया है, उसको भी मारना पड़ेगा। ये देखो, ये मैंने बोला ना कि बाइक की आवाज आ रही थी मुझे, लेकिन वो आगे चला गया है, पर मुझे इधर जाना है, तो तेल लेने गया वो। अपने को अभी 300 ज़ॉम्बी से फाइट करना है, इन टकलों की क्या टेंशन लूंगा मैं, ये क्या ही कर लेंगे भाई, शुरू से कुछ कर पाए जो अभी कर पाएंगे, जो करना है ये 300 ज़ॉम्बी करेंगे, बस यही आसपास है। तीन सौ ज़ॉम्बी से एक साथ फाइट करने में कैसा मजा आता है ये पता चलने वाला है आज। क्लियर द होर्ड बन गया, और होर्ड की हेल्थ ऊपर में देखते रहना, उससे पता चलते रहेगा कितने होर्ड बचे हुए हैं। बाइक ना उल्टी करके लगा दे रहा हूं कि अगर मेरे साथ कांड होने लगा और मौत सर पे आ गई तब भागने का काम आएगा, लेकिन डिकन भागेगा नहीं। डिकन भागना मत, सबसे पहले तो स्ट्रेटजी बनानी होगी कि इनको मारना कैसे। 300 ज़ॉम्बीज़ हैं, तीन ट्रैप है रास्ते में बिछा देते हैं, ठीक है। Shit. No. It's a horde. It's a horde. I'm gonna have to clear this before Ricky can get in. She's gonna put them all down on us. Hey Boozer, tell Ricky it's gonna be a while because there's a horde feeding ground right in our way. Horde. You want me and Ricky to head out there? Come and help? No. I've already learned the hard way. It's better to take them on alone. That way we don't pull them down on each other. Yeah, okay. Besides, I mean, Ricky says that you're head of security now, right? So don't you gotta, I don't know, like stick around camp, polish your badge, order people around, shit like that. Yeah, right. I forgot to ask Mike for a badge. He's gone. I'll vote someone else in. We go back to the Marines. मां का सफा, इतने सारे ज़ॉम्बीज को अभी तक एक साथ नहीं देखा था भाई। ये क्या है, पूरी आर्मी आ गई है क्या? ज्यादा टेंशन नहीं लेना, ऐसे टेंशन हो रही है मुझे क्योंकि बहुत सारे ज़ॉम्बीज पीछे हैं, लेकिन आराम दिमाग से आदमी अच्छा खेलता है। अपने आसपास नजर डालते चलो, क्या क्या उड़ाने का है। जितने भी कंटेनर्स है ना, उन्हीं को उड़ाने की कोशिश करता हूँ। इस पतले रास्ते से ना ना ना, यहां से नहीं जाना है, मुझे यहां से जाना है ताकि इन सबको मैं फोड़ सकूं। आ जाओ मरते मरते बचा, पता है एक सेकंड और रुकता ना मारने के लिए तो ये लोग सब चढ़ जाते मेरे ऊपर। ये वाले एरिया में ना बहुत सारे ट्रैप्स भी लगाए, यहां पर फटते रहेंगे ट्रैप्स। अभी आधा होड भी मरा नहीं है, लेकिन टेंशन नहीं है, इनसे एक कदम आगे रहना है बस। इन बेचारे ज़ॉम्बीज़ को लग रहा है कि ये डिकन को मार देंगे, ना ना ना, इतना आसान नहीं है, बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ मर गए, अब तो गलती करनी ही नहीं है। मेरा ना स्टैमिना जीरो हो गया, इसीलिए मैं धीरे धीरे दौड़ रहा हूँ, बस इनसे आगे रहना है। अगर गलती से एक ने भी मार दिया ना मुझे, मर जाऊंगा मैं, लेकिन ऐसी गलती करेगा नहीं डिकन। स
स्टैमिना तो बहुत बढ़ा लिया और सही जगह पे भी वापस लौट के आ गया हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे धमाके बचे हैं जिनको उड़ा के मेरा काम चल जाएगा। ये जो इतना सा दिखा रहा है ना ज़ॉम्बी होर्ड की हेल्थ, अभी भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हैं। अब ना बहुत ही कम ज़ॉम्बी बचे, लेकिन ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, आराम से, क्योंकि इतने ज़ॉम्बी भी काफी है मारने के लिए। देखते हो ना, थोड़ी सी गलती करता हूं, बैंड बजा देते हैं ये लोग। मार दिया भाई, सबको मार दिया। My friend is all of them. Jesus. Who's man? You there? It's clear. You can have Ricky bring the truck over. Copy that. Hey, Deke, we got a surprise for you, brother. That's great. Can't wait. Deacon. इतने सारे zombies को मार के भाई Deacon भी हाँप गया, थक गया, रोने लगा। In fact, एक तरह से रो ही रहा था। बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ थे भाई, लेकिन मजा बहुत आया पता है। और अभी मजा खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि जो गेम का सबसे बड़ा होर्ड है ना, जिसमें 500 ज़ॉम्बीज़ हैं, वो भी अभी आने वाला है, वो भी मेन स्टोरी का हिस्सा है। तो डीकन ने बूजर को बोल दिया है कि ट्रक लेके आ जा भाई, और बूजर ने बोला है कि डीकन के लिए कुछ सरप्राइज है बूजर के पास। पता नहीं क्या सरप्राइज है, जो भी है बूजर आके दिखाएगा। तो फर्टिलाइजर्स के पास मुझे पहुंचना है, ठीक है। अच्छा, इस गेम के स्टार्टिंग एपिसोड्स याद है भाई कैसे थे? मतलब दो दो तीन तीन ज़ॉम्बी मिलते थे, मुझे लगता था कि बहुत ज्यादा है। और अब देख लो, तो अब ऐसा लग रहा है कि कर्नल पे हमला करने का टाइम आ गया है। इससे पहले वो हमला करे, Deacon, बूजर और रिकी हमला कर दो। Tiny, what the hell is that? Little gift from Ricky. Still can't ride a bike, but I can shift the hell out of these gears. Wow. Pull it over there. तो बूजर का सरप्राइज ये प्रोस्थेटिक आर्म था, जिसकी वजह से ये गियर चेंज कर सकता है। बाइक तो नहीं चला सकता, पर ट्रक बूजर भी चला सकता है। Okay. Oh, that ought to be enough. All right, what's next? Creosote. How ready are you when I'm ready? Where the hell are we going to get 100 gallons of creosote? You don't want to know. तो अभी ट्रक में फर्टिलाइजर्स के बाद ना क्रियोसोट भी डालना है, उसके बाद फिर कर्नल के कैंप पे हमला करेंगे ये लोग, और होट किलर का भी टैग मिल गया है। और दो दो स्किल पॉइंट्स मेरे पास, जो मिले अब ले लो यार। गेम का एंड है, मैं चाह रहा हूं सारे स्किल्स मेरे पास आ जाए, तो जो भी मिले उतना देखना भी नहीं है, अब जो मिलता है चला लेंगे काम। तो कर्नल के कैंप में हमला करने से पहले क्रियोसोट लेके आना है, ठीक है। तो यहां से बहुत सामान उठा लिया, अब यहां से निकला जाए। और मेन स्टोरी अनलॉक हुई है कि कर्नल की जो आर्मी है वो यहां पर आकर अपना कैंप बना रही है, तो एक एक करके सबको मारना है। तो क्रियोसोट उठा के कर्नल के कैंप पे हमला करे, उससे पहले कर्नल के जो आदमी यहां पर आ गए ना, उनको मारना होगा। तो अभी उन्हीं को मारने जा रहा है Deacon। पेट्रोल अभी उतना भी कम नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मैं सोच रहा हूं कि रास्ते में भरवा लिया जाए क्या, क्योंकि अच्छा खासा दूर जाना है। ये अभी तक ना फील गेम 2.0 पे सबसे बड़ी गेम सीरीज है। इससे पहले एक मेरी मार्वल एवेंजर्स थी, लेकिन उसमें भी इतने लंबे लंबे एपिसोड्स नहीं थे।
क्योंकि बहुत सारे एपिसोड्स उसमें आप देखोगे कि 10 मिनट के 15 मिनट के और इसमें हर एपिसोड 40 मिनट के ऊपर का है। और इसको खेलते हुए ना मुझे कभी फील नहीं हुआ कि भाई बहुत खेल लिया अब खत्म होना चाहिए गेम। मुझे अभी भी लग रहा है कि अगर 10-15 घंटा भी और खेलना पड़े तो ज्यादा नहीं लगेगा बल्कि कम ही लगेगा। रिपर्स चांस से जाने भी दे देते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, इनकी वाट लगाते फिर यहां से निकलते हैं। अरे भाई ओए, अरे पावले टकले जला दिया मेरे को, जला दिया भाई इसने, अजीब पावला टकला है। ऑलमोस्ट मर गया था डीकन। चैन से कहीं जाने भी दे देते हैं। अब कर्नल के आदमियों को मारू के रिपर्स से लड़ते रहो भाई, ऐसे भी इस एरिया में आना नहीं है दोबारा। बाइक रिपेयर करते हैं, निकलते हैं यहां से। Can't fix this. Let's go. अब पेट्रोल पंप के पास ही खड़े हुए तो पेट्रोल भरवा ले क्या? कर्नल के कैंप पे जब हमला होगा तो डीकन अपनी बाइक उड़ा के कैंप के अंदर ले जाएगा। वो खतरनाक सीन होगा अगर ऐसा होता है तो। अब जब तक कोई मुझे रोकेगा नहीं, मैं किसी के फट्टे में टांग नहीं अड़ाने वाला, चुपचाप से निकलूंगा यहां से। कुछ लेना नहीं है, कुछ देना नहीं है, मेन स्टोरी कंटिन्यू करना है क्योंकि वो बड़ा वाला ज़ॉम्बी होर्ड बाकी है अभी भी। रिपर्स की एक बात माननी पड़ेगी, अपना एरिया सजाया है अच्छा है। नहीं तो कर्नल की फौज के आदमी ना इतने मामूली नहीं होंगे। देखा था ना, उन्होंने अच्छे आर्मर पहने हुए थे और उनके पास हथियार भी अच्छे हैं, तो उनको मारना टफ होगा। लेकिन ऑब्वियसली 300 ज़ॉम्बीज जितना टफ थोड़ी होगा, तो उनको भी संभाल लेगा डीकन। तो कर्नल के टोटल 9 आदमी यहां पर। चलो अच्छा ही कि नंबर लिखा हुआ है। कम से कम 90 आदमी होते तब खतरा होते, 9 आदमी क्या ही कर लेंगे डीकन का। डीकन बस 2 ही आदमी बच गए, लेकिन दोनों ने आर्मर अच्छा पहना हुआ है। तो ये भाई साहब लास्ट ही है। आजा जा ऊपर आजा। तो आसपास ना कर्नल के और भी बहुत सारे आदमी आ गए। कोपलैंड कैंप हैज बीन अटैक्ड। ओ भाई, कोपलैंड के कैंप पे भी हमला कर दिया कर्नल के आदमियों ने। मुझे ये अजीब लग रहा है कि टकर और उसके कैंप की कोई बात नहीं हो रही है। चलो लास्ट टाइम है तो कोपलैंड के कैंप की भी बात हो गई। टकर जिंदा है या पता नहीं, उसके कैंप पे जाएंगे तभी पता चलेगा। तो अभी डीकन को जाना होगा कोपलैंड की मदद करने के लिए, और कर्नल के जितने भी आदमी आसपास के कैंप पे हमला कर रहे हैं ना, सबको रोकना पड़ेगा। और ऑब्वियसली रोकने से मेरा मतलब है मारना पड़ेगा।
तो जितने भी सामान मिले ना कम है, क्योंकि अब कभी भी अचानक से बहुत भयंकर फाइट स्टार्ट हो सकती है। हो सकता है भाई अपन सोचते ही रह जाए हमला करने का, कर्नल पहले ही हमला कर दे। कोपलैंड से कितने टाइम के बाद मिलने जा रहे, बेचारा कोई भी डायलॉग मारता था उसको मैं स्किप कर देता था क्योंकि बहुत पकाता था, लेकिन अब बहुत टाइम के बाद उससे मिलने जा रहे हैं, और ऐसे टाइम पे मिलने जा रहे हैं जब उसके कैंप पे हमला हो गया है। आई होप कि कोपलैंड मरे नहीं, मतलब इतना भी बुरा आदमी नहीं था। हाँ थोड़ा पकाता था लेकिन इतना बुरा आदमी भी नहीं था। अच्छा लॉस्टली कैंप से होते हुए जाना है ना, तो एक काम करते कि एमओ भी ले ही लेंगे, क्योंकि क्या पता वहां पे कितने लोगों को मारना पड़े। इस गेम को मैं एक्चुअली एक महीने से खेल रहा हूँ, क्योंकि एक महीना से एपिसोड आ रहा है तो धीरे ही धीरे करके सही, लेकिन एक महीने से खेल रहा हूँ। तो अब ये गेम जब एक महीने के बाद खत्म होगा तो बहुत बुरा लगेगा, लेकिन ठीक है। तो गोलियां लेते हैं उसके बाद सीधा कोपलैंड के कैंप चलेंगे। Deacon, good to see you. Hey Blair, how are things in the gun trade? Yep. Don't be such a stranger. Just going nuts. Hold on. Okay. अब यहाँ से ना कोपलैंड का कैंप 1 किलोमीटर दूर है, मतलब अभी भी अच्छा खासा दूरी है। बस मैं रास्ते में ये उम्मीद कर रहा हूँ ना कि मुझे कोई रोके नहीं किसी भी तरह से, क्योंकि अभी मेन स्टोरी पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि अब मुझे नहीं लग रहा कि ज्यादा कुछ बचा है, कभी भी लास्ट मिशन आ सकता है, तो उसी का मैं वेट ही कर रहा हूँ। अभी तक किसी ने ट्राई भी नहीं करा मुझे रोकने का, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कोपलैंड के कैंप पे होल्ड नहीं मिल जाए, क्योंकि आज पहले ही 2 होल्ड से मैं फाइट कर चुका हूँ, 1 वीडियो में 3 होल्ड। थोड़ा ज्यादा हो जाएगा लेकिन ठीक है, चलो मजा ही आएगा। अच्छा रास्ते में एक भी ज़ॉम्बी भी नजर नहीं आ रहा है, ऐसा क्या हो गया है? ज़ॉम्बी भी नजर नहीं आ रहा है, कोई गुंडे बदमाश भी रोकने के लिए नहीं है, मतलब क्या होने वाला है मेरे साथ? भाई साहब एक आदमी नहीं इतना सन्नाटा, मतलब कुछ तो झोल है, कुछ तो गंदा होने वाला है कोपलैंड के कैंप पे, मुझे पता नहीं क्यों ऐसी वाली फीलिंग आ रही है। इतना सन्नाटा, देखो होट मिल गया, यहाँ पर होट है आसपास, ये देखो फाइंड द होट वाला ऑब्जेक्टिव आ गया ना, और ज़ॉम्बीज भी आ गया, बहुत बढ़िया। तो होट है आसपास, उसको ढूंढ सकते हैं हम लोग, ढूंढा जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मेन स्टोरी करना है ना, जाने दो होट को बाद में देखेंगे, फिलहाल मेन स्टोरी की तरफ जाते हैं। कोपलैंड के कैंप तक पहुंच गए और किसी ने रोका नहीं, पहली बार ऐसा हुआ। 1 किलोमीटर का मैंने डिस्टेंस लिया और ओके मिल गया आदमी। Better have a look around, Deke. अब जब यहां तक किसी से फाइट नहीं करा है तो कोपलैंड के कैंप के बाहर क्या फाइट करेंगे, चलो मेन स्टोरी की तरफ चलते हैं। कोपलैंड के कैंप पे तो हमला हुआ हुआ नहीं लग रहा है। Open it up. भाई कोपलैंड ने धोखा दे दिया क्या, इसके कैंप पे तो सब चिल कर रहे हैं, हमला हुआ हुआ कहां से लग रहा है इसके कैंप पर? Come on, get him inside. What happened? Got hit again. Squatters off the highway. We've got to get some men together, go after them. Don't look at me, it ain't my problem. They've got Manny. तो मैनी जो डीकन की बाइक बनाता था ना यहाँ पर, उसको गुंडे उठा के ले गए। You sent Manny on a supply run. I just run the camp, D. I don't tell folks how to live their lives. Go to hell, Cope. तो कर्नल की आर्मी ने यहाँ पे हमला नहीं किया, ऐसी मतलब एक नॉर्मल गुंडों का ग्रुप ने हमला कर दिया था। मैनी और कुछ आदमी सप्लाईज लेने गए थे बाहर से, तो उनपे हमला किया और मैनी को मतलब किडनैप कर लिया है। और डीकन भी भड़क रहा था कोपलैंड के ऊपर, और किसी को नहीं भेज सकते थे, मैनी को भेजना जरूरी था। तो कोपलैंड बोलता है कि मैं बस कैंप चलाता हूँ, ठीक है, किसी को ये नहीं बताता कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो कोई और होता ना तो उसको बचाने डीकन नहीं जाता, लेकिन क्योंकि मैनी है और ये जो अभी बाइक चला रहा है डीकन, वो भी मैनी ही ने दी है, इसलिए उसको बचाने जा रहा है डीकन। अब देखते हैं भाई कितने गुंडे हैं वहां पर, गुंडे लोग क्या ही कर लेंगे, कर्नल की पूरी आर्मी कुछ नहीं कर पा रही है, डीकन का ये गुंडे क्या ही करेंगे। Go, I found his bike. I'm gonna see if I can track him down. My men said they set up an ambush on the Sanium.
Yeah, I already found it. Deacon out. तो गुंडे मैनी को खींचते हुए यहाँ जंगल के अंदर ले गए, ओके? ये ज़ॉम्बीज़ लटके हुए हैं क्या? ये देखना पक्का हमला करेंगे, क्योंकि थंबनेल में मैंने एक बार देखा था कि ज़ॉम्बी को मार रहा है डीकन ऐसे ही लटके हुए ज़ॉम्बी को, यानी कि ये पक्का हमला करने वाले, लिख के ले लो। ये वॉलपेपर मैंने देखा था डेज गॉन का, और मैंने सोचा कि ऐसा तो कोई सीन आया नहीं, अभी आया है, बताओ। मैंने स्टार्टिंग ही में देखा था। जिंदा ज़ॉम्बीज को लटकाना लेकिन अच्छी स्ट्रेटजी नहीं, दुश्मन समझ के आएगा कि मरा हुआ है ज़ॉम्बी, और ज़ॉम्बी उसी को काट देगा। यहां पर मैनी से जुड़ा हुआ कोई क्लू भी है, प्लस यहां पर दुश्मन भी है। अच्छा, ये ज़ॉम्बीज है, हट। अच्छा अच्छा, स्नाइपर एम लगा के यहाँ पे बैठे हो, बहुत बढ़िया। मेरे पास स्नाइपर नहीं है, लेकिन इससे भी काम चल जाएगा। तो मैनी के पैरों के निशानों को फॉलो करते रहना है। यहाँ पर और आदमी है, चलो बहुत बढ़िया। ओ, ज़ॉम्बी है। तो गुंडों का कैंप मिल गया है, बस उम्मीद कर रहा हूँ कि मैनी जिंदा हो। ओ भाई, तू यहीं पे खड़ा हुआ है यार, मुझे अपना हेडफोन चेंज करवाना होगा। मेरे बगल में खड़े होकर शॉटगन चला रहा है, मुझे पता ही नहीं चला। इतने ही आदमी थे कि और भी हैं? आई थिंक कि इतने ही थे, और मैनी को अब बचाना है। मैनी, ओ ऊपर बंधा हुआ है मैनी ना, हाँ। ओ नहीं नहीं, और आदमी लोग हैं, और इनको पता भी नहीं क्या चल रहा है। वाह, और भी कोई बचा है तो अभी आ जाओ, क्योंकि कल पनवेल भी निकलना है, यानी कि कर्नल को मारना है। I wasn't gonna let him kill you. Besides, who the hell else around here knows how to rebuild a carburetor? Just back up. Nice and slow. Don't make a sound. तो अब इस ज़ॉम्बी भालू को मारना होगा, इससे पहले ये मैनी को मार दे। मतलब डीकन को तो नहीं मार पाएगा, मैं भाग जाऊंगा, लेकिन मैनी का पता नहीं वो भाग पाएगा या नहीं। ये ज़ॉम्बी भालू अगर ऊपर आएगा ना, तब मुझे टेंशन है। दूर है तो ऐसा कोई दिक्कत है नहीं, ऐसे में सामने जाके भी फाइट कर सकता हूं। मैनी, बस तू मरना मत भाई, उसी का मुझे टेंशन है। हाँ, ऐसी डूब कर आए, यहीं पे रहना, हिलना मत यहां से, मैं आता हूं। मेरे पास एक ही पाइप बॉम्ब था, वो वेस्ट हो गया क्योंकि गोलियों से पहले ही मर गया था ज़ॉम्बी भालू। Oh Jesus, it's clear. I've been camping too long. Never saw nothing like that before. Yeah, okay. Let's get the hell out of here. You don't gotta twist my arm on that one. तो मैंने भी निकलने के लिए तैयार है यहाँ से। Yeah, so what the hell happened? What are you doing out here? I don't know. I hadn't been on a run in months. Like maybe I wasn't, I don't know, doing my share, you know? A lot of assholes with guns out here, Manny. Not many know how to fix the shit that they ride around on. Yeah, yeah, that's what Cope said. Yeah, for once I agree with the son of a bitch. So what do you think? Why's it gotta be this way? Be what way? Everyone out here trying to kill everyone else. Manny,
You know how many folks were locked up in prisons before the shit went down? I mean, here in the States... No idea. 2.5 million. You count the ones that are out on parole and You good from here? Yeah, yeah. Hey, Deke, I owe you, man. I'd be dead right now if you hadn't... Manny, nose down. Nose down. They feed you. तो मैंने को समझाया डीगन ने कि देखो गोली चलाना सबको आता है, एक दूसरे को मारना भी सबको आता है, लेकिन ये लोग जो बाइक चला रहे हैं उसे रिपेयर करना सबको नहीं आता है जो तुमको आता है, इसलिए इतना बड़ा खतरा दोबारा मत लेना। तो मैनी ने बोला कि कोपलैंड भी यही बोलता है। तो डीकन ने बोला कि उस मनुष की बातों से पहली बार मैं एग्री करता हूं। और मैनी डीकन से पूछ रहा था कि मतलब इंसान भी एक दूसरे को देख रहे हैं तो वो भी एक दूसरे की जान लेने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। तो डीकन ने बताया कि शहर में 2.5 मिलियन कैदी थे, ठीक है, और वो लोग अब आजाद हो गए हैं, तो यही ना करेंगे और क्या करेंगे। तो मैनी को तो बचा लिया। और नेक्स्ट मेन स्टोरी का मिशन है ना कि कर्नल के लोगों ने और एक कैंप बना के रखा हुआ है, उसको भी जाके डिस्ट्रॉय करना है, यानी कि सारे आदमियों को मारना है। और अभी ना मेरे शहर में बारिश भी हो रही है, तो ये मौसम देखकर ऐसा लग रहा है कि मैं बाहर ही घूम रहा हूँ, बड़ा मस्त लग रहा है। बाहर से भी बारिश की आवाज आ रही है और यहाँ पर तो बारिश है ही। तो यहीं पर होर्ड नीचे है क्या? एक बार झांक के देखता हूँ, अगर यहाँ पर होगा तो फाइट ले लेंगे। नहीं, यहाँ पर नहीं है। तीन सर्कल देते हैं, उन तीनों में से कहीं पर रहता है। तो छोड़ो, अभी मेन स्टोरी की तरफ जाते हैं, बाद में होर्ड को देखेंगे। ऐसे भी मैंने बताया ना कि अभी स्टोरी में एक मेन होर्ड आने वाला है जिसमें 500 ज़ॉम्बीज हैं। वो इस गेम का सबसे बड़ा होर्ड है। Murderers and thieves, the lot of you. How many people you killed today, huh? बेचारे गुंडे गोली चलाते रह गए। अगर उनके पास कोई कैदी होता ना तब मैं उनको रोक के मारता, लेकिन अभी जरूरत नहीं है। अभी ऐसे भी कर्नल के कैंप पे जा रहे हैं ना, वहां पर धूम धड़ाका होगा। अच्छा अच्छा, यहाँ पर भी होर्ड है। देखो, फाइंड द होर्ड ऑब्जेक्टिव आ गया ना भाई। ये होर्ड दिखा दिखा के ना ललचा रहे मुझे। अगर मेन स्टोरी पहले कंप्लीट भी हो गया ना, तब भी मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें सारे होर्ड को मारा जाएगा, ठीक ना? तो टेंशन मत लेना, सारे होर्ड को मैं कंप्लीट करूंगा, और कोई साइड मिशन करूं ना करूं। I need fuel. ये चीज ना मैं दूसरे बाइक वाले गेम में मिस करूंगा, क्योंकि बाइक चलाते टाइम हमेशा मेरी नजर फ्यूल पे भी रहती थी कि कहीं खत्म तो नहीं होने वाला है, क्योंकि गलत जगह पे अगर खत्म हो गया तब लगती है भयंकर वाली बात। Fitz, you've got no more to say about that now, do they? No, I guess they don't. Manny gets back. Tell him to keep his nose down. St. John out. तो डीकन ने आप बताया कोपलैंड को कि मैनी को मैंने ढूंढ लिया और तुम्हारे कैंप की तरफ भेज दिया है, और मैनी को इसलिए पकड़ा था ना गुंडों ने ताकि तुम्हारे कैंप का पता पूछ सके। तो कोपलैंड बोलता है कि मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मैनी ने उनको पता बता दिया हो, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी गन्स है, तो टेंशन तो है नहीं, वो आएंगे तो वो मरेंगे। मैं इनके कैंप के अंदर घुस गया। तो इनमें से 4 तो मर गए, 5 और बचे हैं। तो कर्नल के सिर्फ 4 आदमी और बच गए हैं, इनमें से कोई खतरनाक लग तो नहीं रहा है? कोई खतरनाक है क्या? ना ना ना। Come on!
चलो चलो एक लास्ट बचा, आ जा भाई अपनी मौत से मिली ले। कर्नल चाहे जितने आदमी भेज दे सबको ढूंढ ढूंढ के मारा जाएगा। चलो ये मिशन हो गया, एक स्किल पॉइंट भी मिला है। अब तो लास्ट टाइम बची है, कोई भी स्किल ले लूंगा क्या फर्क पड़ेगा, जो बचा हुआ ले लो। तो रेंज वेपन में जितने स्किल्स था ना सब अनलॉक कर लिए हैं, अब बस सर्वाइवल में बचे हुए हैं। तो कर्नल ने जो अपने आदमियों को भेजा है ना, बस उसका एक और लास्ट कैंप बचा है जो कि बगल ही में है, ठीक है उनको मार दूंगा तो खत्म हो जाएगा ये वाला जो मेन स्टोरी मिशन है। लेकिन मुझे इतना पता है कि वो जो 500 ज़ॉम्बी वाला होर्ड है ना, उसके बिना गेम खत्म होगा नहीं। वो आएगा उसके बाद ही, फिर कब खत्म होगा ये नहीं पता, लेकिन वो गेम के एंडी में आएगा इतना मैंने पढ़ा था। चलो फिर कर्नल के और आदमियों को मारते हैं। अच्छा मुझे ये नहीं समझ में आया, दोनों कैंप जो भी कर्नल का था दोनों जगह पे नौ नौ आदमी क्यों थे, मतलब नौ लकी नंबर है क्या कर्नल का, और भी आदमी भेज सकता था, ये कौन है? अरे ये गुंडों का कैंप है भाई यहीं पर। अब एक स्नाइपर को तो मारना ही पड़ेगा कम से कम, ऐसे इनसे मैं नहीं लड़ना चाहता, लेकिन अगर मैं जाऊंगा ना तो स्नाइपर मुझे मार के गिरा देगा। सिर्फ इस स्नाइपर वाले को मारूंगा, बाकी सब गए तेल लेने। बस ये नहीं करना चाहिए था, जा रहा था मैं चुपचाप से। What do you think now, huh? Somebody shoots back. How do you like that? मेरे हाथ में इतनी बड़ी वाली गन है और वो चाकू लेके मेरे तरफ दौड़ी, भाई कोई सेंस ही नहीं बनता है। चलो एटलीस्ट इसके हाथ में तो गन थी, पर इनसे अभी नहीं भिड़ना है, पहले कर्नल के आदमियों को मारना है। थोड़ा दूर से इस बार देखा जाए कि इस कैंप पे क्या चल रहा है, काफी चिल लग रहे हैं लोग, कोई कवर भी यहाँ पे ज्यादा है नहीं। कितने आदमी यहाँ पर, वही लग रहा है कि नौ ही आदमी है फिर से। अच्छा यहाँ पर नौ आदमी भी नहीं है, टोटल आठ ही है, बहुत अच्छा। तो कर्नल ने यहाँ इस एरिया में जितने भी कैंप सेटअप करवाए थे आई थिंक के सारे डिस्ट्रॉय कर ही दिए हैं, और अब ये जो मेन स्टोरी है ना वहां जाना है। भाई 100 मिल वहीं पर तो है होर्ड 500 ज़ॉम्बी वाला। Where are you getting the creosote? I just like driving that dump truck around. Goddamn right I do. All right, I'm heading to the old sawmill. They got a couple of storage tanks there. They should have all the creosote we need. The old sawmill? Last I checked, there was a horde there. Big goddamn horde. Yeah, I'm pretty sure I knew that. What, you still got a death wish? I mean, even after finding your old lady, Deke? We're gonna get her back. Boozman, no, I don't. Look, I can handle this. Just be ready. I'll radio when it's clear to bring your rig in. Deacon out. तो बूजर को बताया डीकन ने कि क्रियोसोट मिलेगा वही 100 मिल में, और बूजर ने बोला कि तुमको रिकी ने वहां पर दिखाया था ना कि बहुत बड़ा होड़ है और तुमको मरने का शौक है क्या तुम जो वहां जा रहे हो, तो डीकन ने बोला कि नहीं भाई ऐसा नहीं है। डीक? Yeah, Ricky. Boozer just told me you're heading to the old sawmill. Yeah, Boozer is a big one. He is head of security. He has to tell me. You remember when I took you to the sawmill, right? You remember me showing you the horde that lives there? Oh, yeah, I remember. The really big horde that lives, sleeps, and eats there.
Yeah, like I said, I remember. Look, Ricky, when I was with the militia, we created a sort of souped-up Molotov. A souped-up Molotov? Yeah, it's like napalm. Anyway, trust me, I got this. We need you, Deke, alive. Ricky, just fine. Don't gotta worry about me no more, okay? I know what I'm doing. Ricky? Yeah. I'm, just lighting some candles. Okay. And in this case, some big goddamn Molotovs, but you know, you get the idea. तो बूजर ने रिकी को भी बता दिया कि देखो डिकन पागल हो गया है, 100 मील जा रहा है जहां पर इतना बड़ा होड है, और इसलिए रिकी ने भी कांटेक्ट करा था, बोला कि तुम्हारी जिंदा जरूरत है, ठीक है, तो वापस आ जाओगे ना वहां से। तो डिकन ने बताया कि कर्नल के कैंप से इसे नेपाम मोलोटोव मिला है, उसकी मदद से ये होड को मार देगा। And anything else I can carry. 500 zombies को मारना है, पता नहीं कैसे मारूंगा, लेकिन देख लिया जाएगा। यहाँ तक जब कर लिया है भाई, तो ये लास्ट ही है zombie का होर्ड। उसके बाद मेन स्टोरी में zombie होर्ड नहीं आएगा, और अगर इस होर्ड को मार दूंगा ना, फिर तो बाकी सारे होर्ड बच्चे वाले हैं भाई, फिर उनको संभालना कोई मुश्किल नहीं है। तो ये वाले होर्ड से फाइट होगा नेक्स्ट और डेज गॉन के लास्ट एपिसोड में। और फील गेम फैमिली, आप लोग फटाफट से लाइक करो, क्योंकि ज्यादा लाइक रहेंगे फिर जल्दी से इसका नेक्स्ट और लास्ट एपिसोड आ जाएगा। चलो मैं मिलता हूँ उसके लास्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।